अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग YouTube शॉर्ट्स क्रिएटर हैं और आपको ये इशू आ रहा है कि आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो कुछ वीडियोस आपकी होती हैं जो 50 व्यूज लेती हैं, कुछ होती हैं जो 100 लेती हैं, कुछ वीडियोस आपकी 1000 व्यूज पे भी जाती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एक सर्टन व्यूज पे आके यानी 1000, 1500, 2000 व्यूज पे आके आपकी वीडियो पे व्यूज आना खत्म हो जाते हैं। तो ये इशू क्यों आता है, इसका क्या हल है और हम कैसे जो है वो अपनी वीडियोस पे व्यूज ले सकते हैं शॉर्ट्स पे, ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा नाम है काशिफ मजीद, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मजीद अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज करना चाहते हो तो यहां पर व्हाट्सएप नंबर है और ये कोर्सेज हैं जो हम लोग ऑफर करते हैं, तो आप व्हाट्सएप करके हमसे जो है मजीद डिटेल ले सकते हैं पेड कोर्सेज के हवाले से। चलिए बात करते हैं कि ये जो इशू है व्हाट्सएप का, काफी ज्यादा लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि काश भाई मेरे कभी 100 व्यूज आते थे, ठीक है, कभी 200 आते हैं और उसके बाद क्या होता है कि मेरे व्यूज आना बंद हो जाते हैं। और कभी एक ये भी बहुत ज्यादा इशू है कि भाई पहले तो हमारे बहुत अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे और उसी तरह से उसी टाइम पे हम वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन अब व्यूज नहीं आ रहे, अब अचानक बंद हो गए व्यूज आना, तो ये क्यों होता है। इसके लिए मैं आपको पहले लेके चलता हूं अपने एक स्टूडेंट के चैनल पे और बताता हूं कि उनके साथ क्या इशू चल रहा है, ठीक है, और उसका उनको मैंने क्या सलूशन बताया और वही सलूशन फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों के चैनल पे भी इंशाल्लाह व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहां पर आप इनका मैसेज पढ़ सकते हैं कि इनका मुझे एक मैसेज आया कि अस्सलाम वालेकुम सर, हर चीज परफेक्ट जा रही थी लेकिन अचानक व्यूज जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, ठीक है ना, और अब इसका ये क्या नॉर्मल है और इसका क्या सलूशन है। और मैं इनका जो चैनल है वो भी आपको ओपन करके दिखा देता हूं। यहां पर मैंने ओपन किया हुआ इनका यूट्यूब चैनल, ठीक है, और यहां से जो है वो इनके मोस्ट पॉपुलर पे अगर आपके सामने जाऊं तो 300,000 व्यूज भी आए हैं वीडियो पे। अब जैसे इनकी वीडियोस आपको दिखाता हूं तो चंद ही वीडियोस हैं, अभी इनका नया ही चैनल है। अब यहां पर देखें तो 300,000 व्यूज हैं, फिर 16,000 है, फिर 11,000 है, 13,000 है, ठीक है, इस तरह से व्यूज आ रहे थे, अचानक इनके व्यूज 500 हो गए, यानी 10,000 व्यूज जहां पे आ रहे हैं वहां पे 500 हो गए, फिर 200 हो गए, फिर 260, फिर 250, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक क्रिएटर जो होता है वो हिम्मत हार जाता है और वो कहता है कि यार नहीं ये तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो आपको पहली चीज हमेशा याद रखनी है कि ये एक नॉर्मल चीज है। जब एक नया यूट्यूब चैनल आप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके जो है वो नए यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब क्या करता है कि पुश देता है और आपको जब आपके पहले 5-10 वीडियोज होती है उनके ऊपर व्यूज देता है, यानी आपके 500 व्यूज आ सकते हैं, 1000 आ सकते हैं, 2000, 3000 तक भी जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके व्यूज रुक जाएंगे, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल चीज है। अब यहां पर अगर आप इनके देखें तो इनके व्यूज यहां से रुक गए थे, ठीक है, 200 आ रहे हैं, 400, उसके बाद जो है वो मैंने इनको क्या आंसर किया था, मैंने इनको पहली चीज बताई थी कि फिलहाल अभी आपने वीडियोस डालते जाने, उसके बाद मैंने बताया था कि तीन चीजें हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है, वो तीन चीजें आगे चल के बताता हूं। वीडियोस डालना क्यों जरूरी है ये आपको बता देता हूं। वीडियोस डालना इसलिए जरूरी है कि यूट्यूब क्या करता है कि वो जब आपने वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड की, ठीक है, उस पर व्यूज आए शॉर्ट्स पे, अब क्या होगा कि जो वीडियोस आपने उसके बाद जब आपके व्यूज नहीं आ रहे, यूट्यूब क्या करता है आपको चेक करने के लिए कि यार पोटेंशियल आपको यानी मोटिवेट करने के लिए व्यूज देगा स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन जब आपके व्यूज रुक जाएंगे तो आपको चेक करेगा आपका पोटेंशियल के भाई आप में वाकई जो है ना वीडियोस डालने का, कंटेंट अपलोड करने का जो है वो टैलेंट है या नहीं। अक्सर लोग वहां से डीमोटिवेट होकर चले जाते हैं और बहुत कम लोग रह जाते हैं जो कि शॉर्ट्स पे रियल में काम करना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स पे ज्यादा इशू क्या आ रहा है, शॉर्ट्स पे चैनल बहुत ज्यादा है, तो यूट्यूब को करना पड़ता है, को चेक करता है कि कौन से कॉन्टेंट क्रिएटर हैं जो रियल है और जो काम करने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियोस को आपने पहले जहन में रखना, डालते रहे, क्यों डालते रहे, क्योंकि यूट्यूब क्या करेगा आपका एवरी व्यू ड्यूरेशन देखेगा और एंगेजमेंट देखेगा। शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपने एसईओ अच्छी करनी है, आपने टाइटल अच्छा देना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शॉर्ट्स को वायरल करने का पहला जो पॉइंट होता है वो होता है आपकी हाई एंगेजमेंट। हाई एंगेजमेंट से मुराद ये होता है कि जब भी आपकी वीडियो पे कोई भी बंदा आता है तो वो एक तो आपकी वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, फिर शेयर करे। ये तीन चीजें अगर कोई भी बंदा आपकी वीडियो के साथ कर रहे तो इसका मतलब है कि आपकी एंगेजमेंट बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है एवरेज व्यू ड्यूरेशन की। ये क्या होता है, ये होता है कि अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं, लेट्स सपोज आप बनाते हैं वीडियो 30 सेकंड की, ठीक है, और एक बंदा उसको डबल देख लेता है तो 60 सेकंड जो है उसने देख लिया, तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपका 200%। इससे मुराद है कि आपकी वीडियो उस बंदे ने दो दफा देखी है, और शॉर्ट्स में क्या होता है कि एक दफा तो कम से कम हर बंदा देख लेता है, तो आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है जब 100+ हो जाएगा, यानी एक वीडियो आपकी एक से ज्यादा मरतबा कोई देखना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो जो है वायरल जाना शुरू हो जाएगी। एक क्या होता है एंगेजमेंट, दूसरा क्या होता है एवरी व्यू ड्यूरेशन। यूट्यूब ये दो चीजें देखता है। शुरू में जब आपकी वीडियोस पे व्यूज आ रहे होते हैं तब ये नहीं देखता, तब आपको पुश करने के लिए व्यूज देता है। उसके बाद अगर आपके एवरी व्यू ड्यूरेशन कम होगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा, एनालिटिक्स में जाएंगे, ठीक है, यहां से आप जो है वो एवरी व्यू ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं। आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो कम है। जब कम है तो इसका मतलब है यूट्यूब ने आप व्यूज देना बंद कर दिए। अब इनको ज्यादा करने के लिए क्या चीजें, नंबर वन जो स्टेप आता है वो आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या है कि आप अपनी वीडियोस के अंदर लोगों को खुद मोटिवेट कर सकते हैं कि वो आपकी वीडियो के अंदर कमेंट करें, वो आपकी वीडियो को लाइक करें, वो आपकी वीडियो को शेयर करें। अब ये कैसे होता है, आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी वीडियोस होती हैं जहां पे लोग क्या कर रहे होते हैं कि नंबर वन चीज वो जो है ना वीडियो के अंदर कह देते हैं कि यार अपने शेयर लिस्ट
में जाकर सेकंड बंदे को मेंशन करें और कहें कि मुझे जो है ना बर्गर खिला या कुछ 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 भी कह सकते हैं, ठीक है, आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं तो आप उस लिहाज से कह सकते हैं, अगर आप फनी बनाते हैं तो आप उस लिहाज से कह सकते हैं कि शेयर लिस्ट में जाकर इस बंदे को कहें कि ऐसा करें, ठीक है। ये पहली चीज है कॉल टू एक्शन, जिसमें आप लोगों को खुद कहते हैं कि भाई वो आपकी शेयर जो है वो बढ़ाएं, ठीक है। और ये भी नहीं है कि भाई प्लीज शेयर कर दो, ये कर दो, लोग नहीं करते, बस शॉर्ट्स आपने कहना है 2-3 सेकंड में कि शेयर लिस्ट में जाकर सेकंड बंदे को मेंशन कर दे। तो क्या होगा कि वो सेकंड बंदे को जाकर कमेंट भी कर देगा, वहां पे मेंशन कर देगा उसको और शेयर भी हो जाएगा आपका। तो ये दो चीजें आपकी हो जाएंगी। तो पहली चीज क्या है, कॉल टू एक्शन, जिसके अंदर आप लोगों से खुद कहेंगे किसी बहाने से कि भाई मेरी वीडियो को लाइक कर दो। ये नहीं कहना आपने किसी और तरह कहना है कि आपने शेयर में जाना है और अपने किसी दोस्त को शेयर करना है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा कह सकते हैं जिससे जो है वो लोग उस पर अमल भी करें। तो नंबर सेकंड जो चीज आती है वो आती है आपकी एडिटिंग। लोगों को अपनी वीडियो ज्यादा दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो अच्छी एडिट करनी पड़ेगी। शॉर्ट्स में ऐसा नहीं होता, जैसे कश भाई अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, शॉर्ट्स में ऐसा नहीं है। शॉर्ट्स में क्या होगा कि आपके सामने इधर वीडियो चल रही है, कभी यहां से आके कोई जो है वो बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूजिक चल जाएगा या कोई ना कोई साउंड चल जाएगा, साउंड इफेक्ट, ठीक है, या आप कह लें कि एक चैनल है, आप जाके कभी चेक कीजिएगा, ये सामने देख लें, ठीक है, इस चैनल के ऊपर जो है वो एडिटिंग जितनी जबरदस्त हुई होती है, आप इस तरह की एडिटिंग करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत जल्दी आपका चैनल जो है वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगा और आपके व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। नंबर थर्ड चीज जो आती है वो आती है आपकी वीडियो की लेंथ। मैं हमेशा शॉर्ट्स में ये रिकमेंड करता हूं कि आप 20 से लेकर 30 सेकंड तक शॉर्ट बनाएं, इससे ज्यादा ना बनाएं। इससे ज्यादा जो लोग बनाते हैं वो क्या होता है कि लोग उस वीडियो को फिर देखते नहीं है। नंबर फोर्थ जो चीज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लूप वीडियोस, ठीक है। लूप वीडियोस क्या होती है कि आपने ऐसी वीडियो बनानी है कि लोगों को उसका एंड ही ना पता चले कि यार ये एंड कहां पे हुई है, वो दोबारा दोबारा वो उसको देखते रहे, उनको समझ ही ना कि वीडियो एंड कहां पे हुई है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको अगेन मोबाइल पर लेके जाता हूं और आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो कि लूप वीडियो है। अब यहां पर आप देखिएगा ये वीडियो चल रही है, अब ये यहां से जो है ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने बनाई है कि लूप वीडियो है, ठीक है। अब ये चलती जा रही है वीडियो, ठीक है, अब ये देखें दोबारा से स्टार्ट हो गई है और वो जो है ना वो दोबारा से उसको खा रहा है। अब आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा कि ये वीडियो कब स्टार्ट हुई थी, कब एंड हुई थी, ये चलती जाएगी इसी तरह। अब क्या हुआ कि इस वीडियो को हमने 3 दफा देख लिया, अब क्या होगा इससे फायदा इसको कि इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 300% हो गया, जिससे इसकी वीडियो यूट्यूब मजीद जो है वो शॉर्ट्स फीड में डालेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कहता है कि आपका चैनल फ्रीज हो गया, इसको दें पैसे और मैं अनफ्रीज कर दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रीज अनफ्रीज का बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका चैनल फ्रीज हो गया स्पेशली या कोई ऐसा इशू हो गया, ये एक नॉर्मल चीज है। यूट्यूब सब यूट्यूबर्स के साथ यही करता है जो शॉर्ट्स पे अपलोडिंग करते हैं, किसी के व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, किसी के कम आ रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब उसको सेटल डाउन करता है आपके इंगेजमेंट और एवरी व्यू ड्यूरेशन को देखते हुए। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, इंगेजमेंट भी, एवरी व्यू ड्यूरेशन भी, इसके अलावा जो मैंने आपको फंक्शंस बताए या जो चीजें बताई हैं वो आपने जो है वो राइट डाउन करके अब आपने उन पर इंप्लीमेंट करना है और फिर आपने कमेंट सेक्शन में आकर बताना है कि हर्ष भाई आपकी बात ठीक थी और अब व्यूज आना शुरू हो गए। तो कमेंट सेक्शन में आप जाके राइट डाउन कर दीजिएगा जब आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। नसर।